जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस के कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ सभी मित्रों को मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं चाहते हुए भी आपके कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह पा रहा हूँ, इसका मुझको खेद है। पर वास्तव में आपने जो चर्चा के लिए विषय रखा है वो बहुत ही समय के अनुकूल है। ये बात दुरुस्त है कि देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए और देश का एकीकरण सरदार पटेल ने रियासतों को देश के अंदर मिलाकर एक देश की मजबूत देश की रचना की थी, पर आर्थिक प्रगति आज़ादी के दौर में 70 वर्षों के पहली बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक दिशा में एक मजबूत कदम रखा है। मित्रों, देश जिस दौर से चल रहा है, मैं कुछ पीछे की दिशा में ले जाना चाहता हूँ। 1971 में तत्कालीन सरकार के मुखिया के तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी। ये एक बड़ा कदम था, पर मैं उस सरकार के इस फैसले पर कोई टिप्पणी करे बगैर ये कह सकता हूँ कि वास्तव में आम आदमी के लिए बैंक के दरवाजे जो खुलने की घोषणा हुई थी, शायद उस समय वो पूरी तरीके से ज़मीन पर नहीं उतर पाई थी। आज जब मैं आपके सामने हूँ तो आदरणीय श्री मोदी जी ने इस बात को समझने का काम किया और उसका परिणाम यह हुआ कि अब देश का आम आदमी बैंक के दरवाजे बैंक के लिए आम आदमी के लिए खुल गए और बीते 2.5 वर्षों में करीब 28 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंकों में अपने खाते खोले। यहाँ पर ये विशेष उल्लेखनीय है कि इसमें 1/3 खाते 0 बैलेंस के साथ खुले थे। हमने आम आदमी को इस धारा में जोड़ने का काम करा और बिना किसी सिक्योरिटी के 10 लाख तक के लोन देने की जो बात की, इसको एक बड़ी संख्या में लोगों ने इस बात को लिया और लोगों ने ऋण लिया। सरकार का जो टारगेट था उससे ज़्यादा हमने ऋण लोगों को दिए और इसका हमको लाभ मिला। और ये वास्तव में ये हमने एक योजना का नाम जो जनधन योजना दिया है, इसका एक सही लाभ आम आदमी ले रहा है और आम आदमी इस दिशा में जा रहा है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी एक योजना पर लोग आश्चर्य करते हैं। हमने जब लोगों से ये कहा कि केवल 1 वर्ष में 12 रुपये देने के बाद में आपका 1 वर्ष का दुर्घटना बीमा हो जाएगा, तो लोग कल्पना नहीं कर रहे थे। आज इस प्रकार की योजनाओं के साथ इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में आम आदमी को अपने साथ जोड़ें, वो व्यवसाय करें और इस व्यवसाय का लोग लाभ उठा रहे हैं। और वास्तव में जनधन योजना भविष्य में किस प्रकार से लाभ की है, ये सबकी समझ में आ रहा है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसी कई योजनाएँ हैं, इन सब में आप सभी उपस्थित साथियों के सहयोग की आवश्यकता है कि आप इसको विचार करें, विचार करके अपने सुझावों से हमको बताने का काम करें। पर मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि इस बार जो देश के अंदर सत्ता का परिवर्तन हुआ है, वो केवल कुर्सी का परिवर्तन नहीं है, काम का परिवर्तन है। और इस काम के हिसाब से हम देश को एक सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति को जिसके अंदर उद्यमशीलता है, जो काम करना चाहता है, आप ध्यान करें कि एक नया हमने मंत्रालय कौशल विकास का इसीलिए खोला कि लोग कौशल विकास में आगे बढ़ें, उसके हिसाब से काम करें। तो मैं इतना ही कह सकता हूं, अब देश में जो परिवर्तन का दौर चला है, ये वर्तमान सरकार को 3 वर्ष होने आ रहे हैं, ये परिवर्तन धीरे धीरे अब दिखाई दे रहा है और उस दिखाई देने के अनुसार स्वरूप से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आज मैं जब आपके सामने उपस्थित हूँ तो मुझे ये बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इस बार 1 जुलाई 2017 से देश के अंदर GST लागू हो रहा है। ये वास्तव में आर्थिक जगत में एक प्रमुख कदम है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हम जब एक देश और एक कर की बात करते हैं तो वास्तव में चरितार्थ अब हो रहा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब हमारे देश के अंदर इस समय 29 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर जब कर की संरचना के हिसाब से हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि 32 स्थानों पर
कर लगाए जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि एक उत्पादन है देश के अंदर बीड़ी का, बीड़ी के ऊपर अगर आंध्र और तेलंगाना में टैक्स 0% है तो कई राज्यों में बढ़ता गया, एक औसत 15 से 20% रहा, पर अधिकतम कर बीड़ी के ऊपर 64% राजस्थान में है। ये मैं आप सभी बंधुओं के सामने इसलिए कह रहा हूँ, आज जिन विषयों पर आप चर्चा कर रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है कि देश के आर्थिक एकीकरण और आर्थिक दृष्टि से एक सही कदम उठाने के लिए जीएसटी देश के अंदर लागू हो रहा है, उसमें आप सब लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देश 70 वर्षों के बाद जब आर्थिक एकीकरण के दौर के हिसाब से काम कर रहा है, तब देश के सामने 1 जुलाई के बाद बहुत सारी सोचने की बातें भी सामने आएंगी, पर हम जिस मजबूती के साथ इसको लेकर आ रहे हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा देश के सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि अब हम लोगों ने, संसद ने अपने कानून को अपने पास से हटाकर ये कानून जीएसटी काउंसिल को सौंपने का काम किया है, और जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री बैठकर फैसला कर रहे हैं। इसका एक सही परिणाम, सही स्वरूप सामने आ रहा है। तो आज आप सब लोग बहुत से विषयों पर चर्चा करेंगे, पर आप सबकी जिम्मेदारी भी ये भी है कि भाई देश किस दिशा में चल रहा है और इसको भविष्य के लिए हम क्या रणनीति तय करें। तो मैं यहाँ चाहूँगा कि मैं आज आपके बीच में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हूँ, पर मेरा आप सबको सुझाव है कि देश के संदर्भ में इस समय देश के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है, जो व्यवस्था चल रही है, उसमें आप सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान रहेगी। ये बात सही है कि हमारा मानना ये है कि जीएसटी लागू होने के बाद देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। आप ध्यान करें कि हमने डिमोनेटाइजेशन करके एक देश को दिशा देने का काम करा, और काले धन की रोकथाम के लिए जो कदम उठाया उसका पूरे देशवासियों ने सहयोग दिया, देशवासियों ने साथ दिया, और हमारे इस कदम की सबने प्रशंसा तारीफ की। तो आज मैं आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस विश्वास के साथ कि आप इस इंस्टीट्यूट में जो कुछ अभी चर्चा करेंगे और जिस प्रकार की आप रणनीति तय करेंगे, ये आने वाले समय में देश के लिए लाभकारी हो, देश के लिए एक सही सुझाव आप लोग दें, और देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम जैसा कहते आए हैं कि 21वीं सदी में हमारा देश दुनिया को दिशा देने वाले प्रमुख देशों में से एक होगा, हमें लगता है कि आदरणीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उस दिशा में अब सक्रियता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश्वास के साथ कि जयपुरिया इंस्टीट्यूट के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक सही विषय और बात चर्चा के लिए यहाँ पर लेकर आए। तो इसके जो भी आप लोग चर्चा करेंगे उसके अगर जस्ट आप हमको देने का काम करेंगे तो हम अपने माध्यम से जो भी इसमें अधिकतम योगदान कर सकते हैं हम योगदान करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।